ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि नोएडा एक्सटेंशन में एक बार फिर से टेंशन बढ़ती जा रही है। एक और किसान 10% डेवलप्ड जमीन की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पतवारी गांव के किसानों से अधिग्रहित जमीन को 2 महीने के अंदर वापस करने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर का नोएडा एक्सटेंशन, जो कि अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर से विवादों में उलझता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि नोएडा एक्सटेंशन और विवादों का नाता चोली दामन का रहा है। एक बार फिर से किसानों ने 10% डेवलप्ड जमीन की मांग रख दी है और ऐसे में अथॉरिटी इस मांग को पूरा करने में समर्थ नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और किसानों की मांग की वजह से इस क्षेत्र में फ्लैट बुक करा चुके हजारों लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वो 2 महीने के अंदर पटवारी गांव के किसानों की जमीन वापस करें, जबकि हकीकत ये है कि इस क्षेत्र में कई डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं जो कि काफी आगे के फेज तक पहुंच गए हैं। हमारा मांग तो यह है, आबादी उन्होंने छोड़ी नहीं है जमीन में, उन्होंने अपना जो आबादी की जमीन थी उसमें भी अपना नाम चढ़वा लिया। जिसने मुआवजा भी नहीं उठाया है उसमें भी प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज करवा लिया रजिस्टर में। अब भी काम नहीं रुका है, 2 महीने का इंतजार कर रहे हैं, क्या करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन किसानों को अथॉरिटी को लेटर लिखने के लिए कहा जिनकी मर्जी के खिलाफ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर की कॉपी लेटर के साथ अटैच करने को कहा है, साथ ही अथॉरिटी को स्टेटस रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। किसानों की अर्जी पर 19 जुलाई 2011 को हाईकोर्ट ने पटवारी गांव के 589 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को अवैध करार दिया था। देखिए, जो नोएडा की ज्यादातर इश्यूज है, नोएडा एक्सटेंशन वगैरह के एरियाज की जहाँ पे एक्विजिशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो मामला जो है कोर्ट्स में सब जुडिस है और जो भी कोर्ट से ऑर्डर्स आएंगे उन्हीं ऑर्डर्स का पालन होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस एरिया में फ्लैट बुक करा चुके लोगों में मायूसी फैल चुकी है। किसानों के अनुसार इस एरिया में फिलहाल आम्रपाली, सुपरटेक, आरजी होम्स, पटेल और निराला जैसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सैकड़ों लोग फ्लैट बुक करा चुके हैं जो कि अब परेशान हैं। लैंड जो है जो कि इन्होंने एक्वायर किया हुआ है उनको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर उसका जो है कितना टाइम लगेगा पूरा पूरा लैंड जो है इनके पास आ जाए, तो ये एम्बिग्यूटी रहेगी। तो मेरी जो एडवाइस होगी इन्वेस्टर को, पहले अपने जो इन्वेस्ट करने से पहले एक तरीके से पूरी ड्यू डिलिजेंस किया जाए कि पूरा का पूरा जो भी डेवलपर की आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे जो है पूरे का पूरा इनका जो लैंड है कोई इनकम्बरेंस नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। पटवारी गांव के अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी असमंजस की स्थिति बरकरार है, क्योंकि जिन किसानों का जमीन अधिग्रहण हुआ वो अब 10% डेवलप्ड जमीन लेने की अपनी पुरानी मांग पर अड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से हजारों लोगों के घरों का सपना अधर में लटक गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा है कि वो पतवारी गांव के किसानों को जमीन 2 महीने के अंदर वापस करे। हम आपको बता दें कि इस जमीन पे फिलहाल 1 दर्जन के करीब डेवलपर्स अपना काम चला रहे हैं, जिसमें करीब हजारों लोग जो हैं अपना घर बुक करा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उन्हें घर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर संशय बरकरार है। राजीव रंजन, ग्रेटर नोएडा, News 24। आवास मंत्रालय ने हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें देश के 27 शहरों की प्रॉपर्टी बाजार की जानकारी दी गई है। इस इंडेक्स के मुताबिक छोटे शहर यानी कि टियर 2 और टियर 3 सिटी में प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आवास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स देखना बिल्कुल न भूलें। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की गई इस हाउसिंग इंडेक्स में आपको देश के 27 शहरों में रियल स्टेट सेक्टर से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि देश के शहरों में प्रॉपर्टी बाजार के ट्रेंड्स कैसे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के क्या हालात हैं और रिटर्न के लिहाज से कौन से शहर बेहतर साबित हो सकते हैं। कुछ सिटीज़ है जहाँ पे हाई प्राइस हाई रिटर्न वाला है, कुछ जो एरियाज़ है जो लो प्राइजेस पे एंड वहाँ भी हाई रिटर्न आने के जो है उसको इन्होंने रेटिंग्स किया गया है। आवास मंत्रालय द्वारा जारी इस इंडेक्स के मुताबिक छोटे शहरों में घर खरीदना निवेश के लिहाज से आपके लिए बेहतर हो सकता है। प्रॉपर्टी ट्रेंड्स की बात करें तो अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता और गाजियाबाद जैसे शहरों में 80% तक मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट पॉपुलर हैं।
जबकि लखनऊ, सूरत, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और जोधपुर जैसे शहरों में बंगलों, विलाज और इंडिपेंडेंट हाउस का चलन इस समय ज्यादा है। इस इंडेक्स से ये भी पता चलता है कि पिछले 6 महीने में जयपुर, जामनगर और भोपाल जैसे शहरों में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में तेजी आई है, जबकि सूरत, भिलाई, मैसूर में इनमें गिरावट देखी जा रही है। रियल स्टेट बाजार पिछले कुछ समय से सुस्ती की चपेट में है। कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी बाजार ठप हो चुका है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ती ईएमआई का बोझ झेल रहे ग्राहक प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते लोगों का घर लेने का सपना केवल सपना बनकर ही रह गया है। यही वजह है कि अब लोगों का बड़े शहरों की प्रॉपर्टी में निवेश करने से मोह भंग होता जा रहा है। राजीव रंजन के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज 24।